अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की जो रेसिपी है वो है हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, ठीक है, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हम लोग बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डो बता देती हूँ, डो किस तरह बनानी है और डो के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए मैदा फ्लोर, ये 200 ग्राम्स है, ठीक है, ये आप वेट मशीन में चेक कर सकते हैं 200 ग्राम्स। उसके बाद हमें चाहिए फ्रेश मिल्क 100 ग्राम्स। इस बाउल में है मेरे पास चीनी और नमक, ठीक है, चीनी जो है आपकी 8 ग्राम्स है और नमक आपका 4 ग्राम्स है। ये रही आपकी ईस्ट, ईस्ट मुझे चाहिए 400 ग्राम, और 400 ग्राम कह रही हूँ, 4 ग्राम, सॉरी सॉरी 4 ग्राम्स। उसके बाद ये है ऑयल, ऑयल है 20 ग्राम्स। ऑयल मैंने, आपने ऑयल ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली है डो के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ होता है, ये आपका ऑलिव ऑयल है, मैंने डालडा का यूज़ किया है, आई होप आप लोगों को नज़र आया होगा। वैसे तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके इसको गूंदना है, लेकिन मैंने पानी रख लिया है, अगर तो हमें नीड पड़ी तो हम पानी भी यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये हमने लेना है फ्रेश मिल्क, इसमें हमने डालना है ये है सॉल्ट और शुगर, ये डाल के तो इसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ठीक है, मिक्स। सही से बिल्कुल इसको आपने मिक्स करना है। और ये जो ईस्ट है ना, ईस्ट जो है ना हमने मैदे में डालनी है। इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। पहले हम ईस्ट को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं मैदे के साथ। जो दूध है ये चला गया, इसमें स्प्रेड करके डालना है बिल्कुल। फिर हमने डालना है इसमें ऑयल, और इसको अच्छे तरीके से हमने गूंद लेना है, ज्यादा सॉफ्ट ना हो, ज्यादा वो बिल्कुल नॉर्मल डो होनी चाहिए इसकी। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए पानी की, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो हम डाल सकते हैं पानी इसमें। ये चिपक रही है, इसको ब्लेंड करते रहना। अगर किसी ने ब्रेड जो है वो फ्रीज करके रखनी है तो आप इसके अंदर दो चीजें और ऐड कर सकते हैं, एक ग्लूटेन और ब्रेड सॉफ्टनर ऐड कर सकते हैं इसमें, अगर तो किसी ने फ्रीज करके रखनी है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए किसी ने चलानी है तो, वरना आपने अगर अभी ही यूज़ करनी है तो आप ना डालें ये दो चीज़ें, सिर्फ आप ईस्ट डालें ताकि ये फूल जाए। हमें बेसिकली ना सॉफ्ट डो चाहिए इसकी। ये देखें अभी ये सॉफ्ट होना शुरू हुई है, थोड़ा सा इसको और करेंगे। ये रही हमारी डो बनके तैयार हो चुकी है, जस्ट लुक एट दिस डो। अब हमने इसको रेस्ट देना है, रेस्ट हमने कितने टाइम के लिए देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो हमने इसको देना है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, ठीक है, आधा घंटा इसको हमने रेस्ट देना है ताकि ये राइज हो जाए। हमने इसको ना सिर्फ कह लें कि हाफ डेढ़ तकरीबन ना इसको राइज देना है,
ज़्यादा नहीं देना, ज़्यादा फूलेगी तो बाद में ओवन में भी इसमें फूलना ही है, तो उसका राइस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको हम राइस ऐसी जगह पे दें, देखें अगर गर्मियाँ हैं तो मेरे ख्याल में रूम टेम्परेचर पे भी राइस हो जाएगी, लेकिन इसको कोई ऐसी जगह रख दें जहाँ गर्मी हो। तो मैं जी इसको रखने लगी हूँ ओवन में आधे घंटे के लिए ताकि ये राइस हो जाए, और तब तक जो है हम ना टॉपिंग वगैरह की तैयारी करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने लगाना है चिकन को मसाला। ठीक है, चिकन मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि हम अभी एक दफ़ा पिज़्ज़ा बना रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए दही, ठीक है, ये 50 ग्राम्स है। फिर आपने क्रीम ले लेनी है कोई सी भी, ऑलपर्स की भी आती है, मिल्क पैक वालों की भी आती है, मेरे पास अभी हलीब की थी तो मैं हलीब की यूज़ कर रही हूँ। क्रीम ले लेनी है 100 ग्राम्स। उसके बाद मसाले जी आप लोग लिख लें, मैं बना रही हूँ अफ़गानी चिकन टिक्का। नमक ले लिया है हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमने ये ले ली है, ये है आपका वो जिंजर पाउडर कह रही हूँ, ये आपका है ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ये जिंजर पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, और ये ना इलायची है, ये इलायची के 2-3 दाने मैंने ना इलायची के अंदर से निकाल लिए। सबसे पहले जो है हम लोग ना इसके अंदर ये डालेंगे दही चिकन के अंदर। ठीक है, ये अच्छी तरीके से डाल लेना है आपने। फिर आपने डालनी है इसमें क्रीम। पैकेट डाल दें क्रीम का। उसके बाद जी डाल देने ही हैं सारे मसाले। ठीक है, अब हमारे पास ना दो चीज़ें ना वो हैं, वो ऑप्शनल में हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ जी क्या है। आप उसको अगर डालेंगे ना तो मैं कहती हूँ जी क्या ही बात है, टेस्ट बहुत अच्छा होता। ये है रेड सॉस, हॉट सॉस, ठीक है, डिप्ट वालों की है ये, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह आप वो डाल सकते हैं सिरका के चाइनीज़ जो होते हैं ना सेट, वो डाल सकते हैं। ये हम थोड़ी सी डालेंगे, ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, थोड़ी सी ब्राउन शुगर इसमें ऐड कर लेंगे हम। ऑप्शन केसेस है, कुछ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी ब्राउन शुगर जो है ना इसमें ऐड करूंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको मिक्स। आपकी मर्जी है कि आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है, अगर आपने कुछ और ऐड करना है या जो भी है वो आप कर सकते हैं। हमने इसके अंदर क्रीम और दही ज़्यादा इसलिए ही डाला है, जब हम इसको पकाएंगे तो ये सारा ड्राई हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने ना मैरिनेट करने के लिए रखना है ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स के लिए, तो लाजमी रखना है। अगर तो आप एक दिन पहले बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक दिन पहले ही बनाएं इसको। अगर आपके पास दही और क्रीम कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, मैं पानी नहीं ऐड कर रही, ये ऑलरेडी लिक्विड है, तो हम इसको ना मैरिनेट होने के लिए रखेंगे ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट बिल्कुल आए। देख सकते हैं आप लोग, जी मैं इसको रखूंगी 3 to 4 आवर्स, उसके बाद फिर हम लोग ना देखेंगे कि ये कैसा बना है। ठीक है गाइस, ओके, हमारी डो हो गई है, थोड़ी सी राइज हुई है, आप देख सकते हैं थोड़ा फर्क आया है। ठीक है, ये अब डो हमने निकाल लेनी है और इसको ना अच्छी तरीके से ना हमने इसको बेलना है। ठीक है, ये रख लेते हैं साइड पे, ये डो है, हम थोड़ा सा इधर मैदा स्प्रेड कर लेंगे। इसको ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, मैदा लेना है आपने और कुछ भी नहीं करना ताकि ये चिपके ना, बस हमें और किस चीज़ के लिए भी नहीं चाहिए। ये जी दोनों साइड पे अच्छी तरीके से मैदा लगा लें, ज़्यादा सारा एक दफ़ा ही, ताकि जी डो चिपके ना। ठीक है, और इसको हमने ना
बेल लेना है, पतला बेलना है बहुत, ठीक है। मोटा बेलेंगे तो आपकी डो नहीं सही बनेगी, पहले भी मैं आपको बता रही हूँ। पतला बिल्कुल बेलना है इसको, और कोशिश करें कि बिल्कुल गोल बेलें, ठीक है, पतली और गोल, क्योंकि अभी ये जब ओवन में जाएगी ना तो ये ऑलरेडी बहुत राइस करेगी, ठीक है, इस बात को आपने जहन में रखना है जी। इसको आप बेलते जाएं, गोल पतली बिल्कुल प्यारी सी। उसके हिसाब से कट करना है बिल्कुल, जो पैन साइज है, पैन साइज मेरा है ये है जी मेरा पैन साइज, ठीक है। वो ये तो परफेक्ट आई है बिल्कुल, आई डिडंट नो दैट। बाकी तो आप लोग पता है हाथ से कर लेंगे, नहीं कोई मसले वाली बात नहीं, कोशिश करें कि ये ना चिपके ना बस, नहीं चिपके ये। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये वाली साइड हमें नीचे रखनी चाहिए और ये वाली, ठीक है। दैट्स हाउ यू गॉट परफेक्ट डो फॉर अ पिज़्ज़ा। या अल्लाह इज्जत रख ले मेरी, मेरा पिज़्ज़ा सही बन जाए। अभी तो हमारा मसाला भी नहीं बना। ये बन गई है हमारी डो, ये गुड। ऐसे ही काम करें मेरी तरह बिल्कुल, आपको ये मैंने फील ही नहीं कराया कि मैं खुद पहली दफ़ा बना रही हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है मेरी तरह, ठीक है। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे अल्लाह ने चाह तो। ओके जी, जो हमारी चिकन थी वो हो गई है मैरिनेट, ठीक है। मैं इसको निकाल रही हूँ 3.5 घंटे के बाद तकरीबन, आप लोग देख लें इसको, ठीक है, फोकस है ना। तो ये हो गई है, अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले तो चूल्हा जला लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हमने डालना है ऑयल, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है, इतना डालना है। और फिर अब हमने इसकी चिकन फ्राई करनी है, ठीक है। और इस चिकन में कुछ भी ऐड नहीं करना, आप देख लें उसका अपना ही ना, इतना ज़्यादा जो है ना क्रीमी टेक्सचर है और मसाला है बिल्कुल। इसको पकाएं, बेसिकली ना हमने इसका ये पानी जो है ना सुखाना है। मसाला कुछ भी नहीं डालना इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी मसाला मैंने आप लोग को बता दिया था, वो मसाला आपने इस पे लगा के रखना था, बाकी जो है ये अभी खुद ब खुद ही पकती रहेगी, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इसके ऊपर रख देना है ढककर और सुकून से बैठ जाना है, तसल्ली करनी है, इसको पकने देना है, बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं करनी किसी ने। इसको हम चेक करेंगे 15 से 20 मिनट तक कि क्या इसका कलर निकल के आता है। ये अभी 5 मिनट के बाद है चिकन का रिजल्ट, ठीक है। इसको बस आपने ना लो फ्लेम पे पकते रहने देना है, ताकि इसका ये जो पानी है ना ये सूखे, हमें बेसिकली पानी सुखाना है, क्योंकि हमने चिकन जो है ना वो पिज्ज़े के लिए ऐड करनी है। इसको हम मज़ीद ना अभी ढक्कन रख के और ज़्यादा ना होने देते हैं अभी इसको, ठीक है।
ये अभी हो गए इसको 10 मिनट तकरीबन हो गए। ये देखें इसका ना जो क्रीम का पानी था ना वो ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट। थोड़ी देर इसको और पका लेते हैं, उसके बाद ये हो जाएगी रेडी। अच्छा जी, तो अब हमने ना इसकी टॉपिंग करनी है। तो सबसे पहले जी ये मेरी डो है, ठीक है, ये मैंने कब से रखी हुई है वैसे। तो पिज़्ज़ा सॉस मैं ये ले रही हूँ शांग्रीला की। अभी मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना नहीं सिखा सकती क्योंकि मुझे अभी खुद नहीं आती, हम इसी को ही ले लेंगे, ठीक है। यू लाइक फुली स्प्रेड होनी चाहिए पिज़्ज़ा सॉस। जितनी ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस उतना मज़े का पिज़्ज़ा, ये मुझे गारंटीड। अब एक बात लिखवा लें, पिज़्ज़ा सॉस मैं कहती हूँ जी लाजवाब है पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह से स्प्रेड करनी है, कंजूसी नहीं करनी। जिसने कंजूसी की उसका पिज़्ज़ा ख़राब। बता रही हूँ तुम लोग कंजूसी बहुत करते हो, कंजूसी मत किया करो, ठीक है। अच्छा आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैंने ना ओवन जो है वो प्री हीटिंग के लिए लगाया हुआ है 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 मिनट के लिए लगाया, प्री हीट करना ज़रूरी है ओवन को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर थोड़ी सी हम चीज़, अच्छा चीज़ का मैं आप लोगों को ये कहने वाली थी कि ना चीज़ मैंने दो यूज़ की है इसमें, ये मिक्स हैं दोनों, एक मोज़रेला चीज़ है और एक चेडर चीज़ है। यू नो मोज़रेला जो है वो स्ट्रेचिंग के लिए होती है और चेडर जो है वो टेस्ट के लिए होती है, तो मैंने दोनों कंबाइन कर दिए हैं। मैंने ना सेपरेट नहीं रखा उनको, मैंने कहा यार क्या करना है कंजूसी करके। चीज़ की कंपनी भी मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। मैंने उसकी वीडियो पहले ही बना ली थी क्योंकि मुझे करनी थी, इसका चेरिश करनी थी चीज़ जो है। अब आप इसमें आराम से अपनी चिकन स्प्रेड करें, कंजूसी नहीं करनी, मैं पहले ही बता रही हूँ। ये जितनी भी हमने बनाई है ये सब एक चीज़ में आ जाएगी, आराम से फैलाएं जितनी मर्जी। बेसिक तो हमें मतलब आनी ही है ना। आय हाय हाय क्या खुशबू आ रही है, मैं कहती हूँ जी तुम लोग ये बनाओ, तुम लोग के घर वाले तुम लोग को लव करेंगे, लव। तुम लोग के घर वाले ये नहीं पूछेंगे कि बेटा क्यों बनाया है, बोलेंगे बस इतना कम क्यों बनाया है, ये बोलेंगे। लाइफ एंजॉय करो, खाओ पिज़्ज़ा ठूसो, मोटे हो जाओ मेरी तरह, एक ही तो लाइफ है हम लोगों के पास। अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे हैं भाई। तुम लोग जिस मर्जी जिस तरह मर्जी तुम लोग ने स्प्रेड करनी है करो, मैं तो इस तरह कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब है और मैं मेरा जो दिल करता है मैं वो करती हूँ, ठीक है। कंजूसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, मैं इसको थोड़ा और इवन टोन स्प्रेड कर दूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा ही मतलब एक कोने में घुसा दिया। फिर तुम लोग इसमें डालो ये, मैंने ये बहुत कम काटी है क्योंकि बहुत कम हम लोग खाते हैं, हम लोग इतनी नहीं खाते। ये है कैप्सिकम, शिमला मिर्च, देख लो यार तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग को नहीं पता, तुम लोग जो हो ना वो बहुत ही मतलब क्या मैं तुम लोगों को बोलूं, ये अमीरों वाली चीज़ें। कैप्सिकम अमीरों के लिए है और शिमला मिर्च गरीबों के लिए। मैं तो जितनी मैंने काटी मैं सब डाल दूँगी, मैंने काटी ही कम है। वैसे भी पिज़्ज़े को ना हरा भरा होना चाहिए मेरे हिसाब से, पिज़्ज़ा क्यूट लगता है हरा भरा, पिज़्ज़े की टॉपिंग्स जितनी ज़्यादा होती हैं उतना पिज़्ज़ा क्यूट लगता है। तुम लोग मुझे ये ना कहना कि चिकन बहुत ज़्यादा डाल दिए, यार ये अभी पकेगा और चीज़ें होंगी। और ये चीज़ ऑलिव्स, ये भी ऑप्शनल है यार, खाते हो नहीं खाते मुझे बता दो, मैं तो सब चीज़ें डालूंगी, ठीक है। मैं कहती हूँ सब चीज़ें डालनी चाहिए इंसान को। बहुत प्यारा पिज़्ज़ा लग रहा है, ओह माय गॉड।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये मैं बना रही हूँ, ठीक है? तुम लोग यकीन नहीं करोगे गाइस कि मैं पहले क्या बनाती थी और अब शेफ़ हो गई हूँ मैं। प्यारी प्यारी, तुम लोग बोलोगे यार तुम हमारे घर आ जाओ, क्यों तुम इतना दूर रहती हो। अब डालेंगे हम लोग चीज़। ये मुझे क्यों लग रहा है कि पिज़्ज़ा को देख के चीज़ बहुत कम पड़ रही है। जिसने जिसको चीज़ ज़्यादा पसंद है, जो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ लवर है, वो एक्स्ट्रा खा ले चीज़। लेकिन मेरे हिसाब से तो चीज़ इतनी होनी चाहिए। लाइक क्या कहते हो तुम लोग कि सब डाल देते हैं? यार चीज़ कम तो नहीं है? चलो यार देखे जाएंगे, अभी तो जो बन रहा है वही बना लेते हैं, चुपचाप खा लेते हैं। यार ये देख लो तुम लोग, ठीक है जी, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है थंबनेल फोटो, बढ़िया पिज़्ज़ा, ठीक है। अब हम लोग इसको डालेंगे ओवन में, द बेस्ट पार्ट। ये रहा हमारा ओवन, मैंने इसको प्री हीट पर भी लगाया हुआ है, इसमें गर्म हो रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। तो मेरे एक हाथ में कैमरा भी है गाइस, तुम लोग के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है, खतरों की खिलाड़ी बनी हुई हूँ मैं। ओके बिस्मिल्लाह, ये देखो इस तल क्या है ओवन में, और इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जो मैंने टाइम वगैरह रखा हुआ है ना, देख लो यार 180 पे है और बोथ साइड पे ऊपर नीचे। अब हम इसका टाइमर बढ़ा देते हैं, 30-25 मिनट अभी चेक करते हैं, फिर हमें खुद ब खुद ना चेक करना पड़ेगा, ठीक है? यार तुम लोगों को मैं थोड़ा दिखा देती हूँ, बीच बीच में यू नो अपडेट्स देनी पड़ती है। ये देखो अभी ऐसा है, अभी थोड़ी देर और पकाना है इसको, ये अभी पका नहीं है, ठीक है? ऊपर से चीज़ देख लो अभी भी मेल्ट हो बिल्कुल। ओके गाइस, यार तुम लोग बिलीव नहीं करोगे मेरा पिज़्ज़ा बन गया, एंड बिलीव मी इट स्मेल सो गुड, लाइक मैं कहती हूँ बेस्ट हो गया। ओह आई कांट बिलीव आई डिड इट यार। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि इसके ना हमें स्लाइसेस कर लेने चाहिए, ठीक है? और बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा है, ठीक है? ये देखो तुम लोग, मैं स्लाइसेस कर रही हूँ। खुशबू यार बहुत अच्छी आ रही है, मैं तुम लोग को बता नहीं सकती कि मतलब अगर तो तुम लोग यहाँ होते तो मैं कहती हूँ वाह 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 पिज़्ज़ा बना, वाह वाह। मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अच्छा टॉपिंग अगर इसके ऊपर किसी ने सॉसेस वगैरह ऐड करनी है तो वो कर सकता है, क्योंकि मैंने नहीं की, मुझे नहीं पता कि हमारे घर वाले क्या खाते हैं और क्या नहीं, तो मैंने बेटर यही सोचा है कि मैं ना, या ये बहुत गर्म है, मुझे तो डर लग रहा है पकड़ते हुए क्योंकि अभी बहुत 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 गर्म है, तुम लोग यकीन नहीं करोगे। यार बहुत गर्म है और मुझे खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, मैं कहती हूँ वाह। पिज़्ज़ा हो तो ऐसा होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी, और मैं आगे अभी बहुत सारी रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ इंशाल्लाह सून। मैंने अभी आप लोगों को लावा केक भी सिखाना है, क्यों भाई इसके साथ लावा केक भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।